नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एनबी चौधरी, निदेशक केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची ने एमिटी यूनिवर्सिटी रांची द्वारा आयोजित इकोटॉक्सिकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICEES 2024 का उद्घाटन किया। डॉक्टर चौधरी ने इस वैज्ञानिक आयोजन के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी की टीम को बधाई दी एवं सभी प्रतिभागियों को गहन शोध मंथन के द्वारा इकोटॉक्सिकोलॉजी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने का आह्वान किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए गहन अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सम्मेलन में शामिल विभिन्न विषय पर्यावरण प्रदूषण, इसकी उत्पत्ति और निगरानी तंत्र को समझना, जैव विविधता और संरक्षण के खतरों और शमन रणनीतियों को संबोधित करना, GIS रिमोट सेंसिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरण निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, नैनो टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण, पर्यावरण विज्ञान के लिए अभिनव समाधान तलाशना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और परिवर्तन के अनुकूल होना, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थायी समाधानों के माध्यम से अपशिष्ट को मूल्य में बदलना, विश्व विज्ञान और मानव स्वास्थ्य में धातुओं, उपधातुओं और संदूषकों के प्रभाव की जाँच करना अतिशय आवश्यक है। यह कार्यक्रम इकोटॉक्सिकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान संस्थान और MIT यूनिवर्सिटी झारखंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए छात्रों, शोधकर्ताओं, संकायों और नीति निर्माताओं के बीच ज्ञान का प्रसार करना है। इस आयोजन में किए गए प्रयास उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हैं और इस सम्मेलन में भारत और विदेश के लगभग 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से प्रोफेसर तपस कुमार माझी, आणविक पदार्थ प्रयोगशाला जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर, प्रोफेसर ओके चुकू जोनाथन ओकोकोवो दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रतिभागी भी मौजूद रहे। डॉक्टर एनवी चौधरी ने कहा कि हम तसर सिल्क उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल उद्योग है और MIT यूनिवर्सिटी के साथ हमारा समझौता ज्ञापन है। हम पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में आपकी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हैं। प्रोफेसर अमित कुमार दत्ता ने कहा कि शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। MIT के कुल सचिव श्री प्रभाकर त्रिपाठी ने कहा, पारिस्थितिक विश्व विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और सतत विकास पर विचार विमर्श करें। डॉक्टर शर्मिला पाल ने कहा कि पर्यावरण के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस से अपेक्षाएं हैं कि उत्साहवर्धक प्रस्तुतियां, जीवन बहस और व्यवहारिक चर्चाएं होंगी, प्रतिभागियों के बीच सार्थक संबंध, भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। इस कार्यक्रम में CT RTI रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश पांडे, श्री आशु कुमार, डॉक्टर दिव्या राजावत इत्यादि ने सहभागिता की।